जाता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर हम इसको ग्रेडिंग में 1, 2, 3, 4 करें तो ग्रेड 1 जो है वो बिल्कुल मिनिमल डायलेशन होगा और ग्रेड 4 जो है वो सीवियर डायलेशन होगा। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, नॉर्मल में बिल्कुल नॉर्मल किडनी है, माइल्ड में थोड़ा सा बड़ा हुआ रेनल पेल्विस, फिर मॉडरेट में और ज़्यादा डिस्टेंडेड है, सीवियर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड रेनल पेल्विस है जिसको हम सीवियर कहते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या मेजर किया जा सकते हैं? अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है जिसमें साउंड वेव्स हमें किडनी की पिक्चर बताती हैं, वहाँ के स्वेलन पार्ट में मालूम होता है स्वेलन पार्ट कहाँ है, जिसकी वजह से नॉर्मल और एबनॉर्मल किडनीज मालूम हो सकता है। किडनी में जहाँ स्वेलिंग होगी वहाँ हमें अल्ट्रासाउंड शो कर देगा, जो कि हमें आसानी पैदा करेगा हाइड्रोनेफ्रोसिस को एक्सक्लूड आउट करने में। ब्लड टेस्ट करेंगे इन्फेक्शन के लिए, यूरिन टेस्ट करेंगे इन्फेक्शन के लिए, ब्लड भी आ सकता है यूरिन में किडनी स्टोन की वजह से, किडनी स्टोन जहाँ होगा वहाँ पर वो इन्फेक्ट करके वहाँ पर ब्लीड भी कॉज कर सकता है। इंट्रावेनस यूरोग्राफी एक स्पेशलाइज प्रोसीजर है जिसमें एक डाई इंजेक्ट की जाती है ब्लड स्ट्रीम में और डाई जो है फ्लो ऑफ यूरिन को हाईलाइट करती है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट हमें मालूम होता है वहाँ पर कहीं भी ब्लॉकेज होगी, कहीं भी स्ट्रक्चर होगा वो मालूम हो जाएगा। सीटी स्कैन जो है ये हम जब 3-डाइमेंशनल पिक्चर लेना चाहते हैं ताकि हमें किडनी की 3-डाइमेंशनल पिक्चर मिल जाए, हर तरफ से हमें मालूम हो जाए कि किडनी का साइज़ टेक्सचर क्या है, तो हम सीटी स्कैन करवाते हैं जिससे हमें आसानी से मालूम हो सकता है कि आया कि किडनी हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी है या नॉर्मल किडनी है। इसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? यूरिनरी ट्रैक्ट को ड्रेनेज को ऑप्टिमाइज़ करके, यानी कि ड्रेनेज बेहतर करके, रेनल इंसफिशेंसी जहाँ पर है वहाँ इंसफिशेंसी को सबसाइड किया जाए, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी की जा सकती है, अगर ना बन पाए इन सब मामला से तो सर्जिकल रिपेयर किया जा सकता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एब्डोमिनल वॉल जहाँ पर अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से एब्डोमिनल वॉल जो है वो डिस्टर्ब हुई है, उसमें कहीं रप्चर आया है, कहीं पर इन्फेक्ट हुई है, तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाए और एट द एंड जब मामलात सही ना हो, यानी कि किडनी बेहतर ना हो पा रही हो, तो आखिर एट द एंड रिनल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या की जा सकती है? ट्रीटमेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस की वो सीवियरिटी पर और उसके कॉज पर डिपेंड करती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या किया जा सकता है, बिल्ड अप ऑफ यूरिन को कम किया जा सकता है ताकि उसकी वजह से किडनीज पर प्रेशर ना बने, किडनीज जब यूरिन कम बनाएंगी तो उसको एक्सक्रीट आउट होने में आसानी होगी, क्योंकि जाहिर है कंस्ट्रक्शन की वजह से यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से यूरिन अगर ज़्यादा बन रहा है और किडनी ज़्यादा यूरिन बना रही है तो वो सारा यूरिन किडनी में ही जमा होता रहेगा। इस वजह से कोशिश की जाएगी कि ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाएँ, ऐसे मेथड यूज़ की जाएँ ताकि पेशेंट जो है उसकी किडनी यूरिन कम से कम बनाए। कोशिश की जाएगी कि परमानेंट किडनी डैमेज से बचाया जाए और ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज की मीन्स ये है कि जो बेसिक रूट कॉज होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस का, उसको सबसाइड किया जाएगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस खुद ब खुद बेहतर हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा? यूरिन की ड्रेनेज बेहतर की जाएगी, अंडरलाइंग कॉज वही, अंडरलाइंग कॉज में क्या आते हैं, किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन को यूरिन किया जा एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है ऑपरेट के ज़रिए से, प्रोस्टेट को रिमूव किया जा सकता है सर्जरी के ज़रिए से, मेडिसिंस के ज़रिए से प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी को कम किया जा सकता है, प्रोस्टेट स्वेल हो अगर हो तो उसको मेडिकेशन के ज़रिए से रिलीफ किया जा सकता है, और अगर ना हो पाए तो उसके बाद सर्जिकल रिमूवल करके प्रोस्टेट को बेहतर किया जा सकता है। यूरेटर जहाँ पर नैरो है वहाँ पर होलो प्लास्टिक ट्यूब यानी कि स्टैंड, जो कि अक्सर औकात आपको मालूम होगा कि
हार्ट डिजीज में सुनते हैं स्टेंट रिप्लेसमेंट, इसी तरह यूरेटर में भी स्टेंट रिप्लेसमेंट की जाती है ताकि यूरेटर जहाँ से नैरो है वहाँ से उसका पैसेज बेहतर हो जाए। अगर किसी कैंसर की कॉज की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है तो कोशिश की जाएगी कैंसर की कॉज को ट्रीट किया जाए, चाहे वो रेडियोथेरेपी से हो या केमोथेरेपी से हो। कैंसर ख़त्म होगा तो नेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग केयर क्या की जा सकती है, नर्सिंग केयर पर भी वही किया जाएगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट को, ड्रेनेज को बेहतर किया जाएगा। आयो चार्टिंग मॉनिटर की जाएगी कि जिससे हमें मालूम होगा कि पेशेंट ने कितना इनटेक लिया और कितना आउटपुट किया, आया कि पेशेंट यूरिन रिटेन तो नहीं कर रहा। कोशिश की जाएगी कि पेशेंट को बार बार एम्प्टिंग ऑफ यूरिन मॉनिटर किया जाए ताकि इम्पेयर्ड यूरिन आउटफ्लो तो नहीं है। एब्डोमिनल ट्यूमर्स, पेल्विक और यूरिनरी कैलकुली हमें मालूम होगा, एडिजन एंड स्केयर फ्रॉम प्रीवियस सर्जरीज एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उसकी हिस्ट्री में से हमें मालूम हो सकता है कि प्रीवियस कोई सर्जरी तो नहीं हुई उसकी वजह से, कोई स्कार फॉर्मेशन तो नहीं हुई जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट का आउटफ्लो रुक सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी कंस्ट्रिक्शन आ सकती है, तो हम ये सब हिस्ट्री से मालूम करेंगे। उसके अलावा थैंक यू।